हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है डार्क अंडरआर्म्स के ऊपर। मैंने भी एक वीडियो यूट्यूब पे ही देखी थी, तो मैंने सोचा उसका एक्सपेरिमेंट क्यों ना आप लोगों के साथ करते हैं और जो लाइव रिजल्ट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ भी एक इशू हो रहा है, मैंने मतलब गलती से एक डीओ लिया था, वो यूज़ कर लिया डायरेक्टली स्किन पे, और एक अंडरआर्म्स मेरी साफ है और दूसरी अंडरआर्म्स मेरी काली हो गई है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख ही रहा होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होगा, मेन इंग्रेडिएंट जो होगा वो होगा आलू। आलू को क्या करना है, हमें छील लेना है, छील के आप ग्राइंड कर सकते हो, कद्दूकस कर सकते हो, फिर उसके बाद उसका निकाल देना जूस, ऐसे किसी छादी में डाल के चम्मच से निकाल लेना और कुछ ऐसे से जूस ये रेडी हो जाएगा। ये है पोटैटो जूस। तो इसका क्या करना है, हमें इसे लगाना है अपनी अंडरआर्म्स में और हमें इसे छोड़ना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो हम जो है इसे कॉटन की हेल्प से लगाएंगे और फिर उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जो ये पोटैटो जूस है वो मैंने इसमें कॉटन में ले लिया है, ठीक है, इसे हम लगा लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो भी होगा मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब हम दूसरी साइड भी लगा ही लेंगे, ठीक है, और 10 से 15 मिनट के लिए आप ऐसे करके लेट जाना, बाकी आगे का जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज अभी जो है मुझे इसे लगाए हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुकी हैं, तो मैं इसे ना पानी की हेल्प से रिमूव करूँगी। आप कोई भी गीला कपड़ा टॉवल लेके यूज़ कर सकते हो, मैं कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। और इसे क्या कर लेंगे, हम इसे गीला कर लेंगे कपड़े को, या आप वॉश भी कर सकते हो। अभी मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए मैं वॉश नहीं कर पाऊँगी, तो मैं इसे गीले कपड़े की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। तो मेरे को तो हल्का फुल्का फर्क लग रहा है, बाकी पूरा रिव्यू तो मैं इसके बाद ही दे पाऊंगी। और इस वाली साइड से भी साफ कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, जो वाइट वाला कोलगेट आता ना वो लगाना है अपनी अंडरआर्म्स पे, कलरफुल वाला नहीं, सिर्फ वाइट वाला, ये वाला देख लो आप। तो इसे क्या करना है, इसे लगाना है और 10 मिनट के लिए आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है जब तक ये सूखे, ठीक है। तो मैं इसे अभी जो है लगा के आती हूँ, फिर आपको दिखा के फिर वीडियो बंद कर दूंगी। फिर दोबारा मैं आपको जब ये सूख जाएगा तब इसके रिजल्ट दिखाऊंगी। और ये वीडियो जो है बजट फ्रेंडली होने वाली है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। हाँ, ये होम रेमेडी है और बहुत कम पैसों में कुछ लग भी नहीं रहा भाई, कम पैसे तो छोड़ो। तो इससे क्या है, धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे, एकदम से रिजल्ट नहीं आता, ये मैंने उनकी वीडियो में सुना था, तो वही मैं आपको भी ज्ञान दे रही हूँ। तो आपको मैं अभी ये करने के बाद स्टेप फिर दिखाती हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने अपनी दोनों अंडर आर्म्स पर जो है कोलगेट लगा लिया। अब मैं करूँगी आराम 15 मिनट, फिर आपको दिखाती हूँ रिजल्ट्स। सो गाइज अभी मेरे को हो चुके हैं 15 से 20 मिनट इसे लगाए हुए और अभी ये सूख भी चुका है। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, पहले हम अपने हाथ में थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे पानी से थोड़ा गीला कर लेंगे हाथ को, और इसे ना ऐसे स्क्रब स्क्रब की तरह करेंगे, थोड़ा 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 ना। और जो मेरे रूम में ये गंदा गंदा हो रहा है इसे इग्नोर करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ की ये मसाज भी हो जाएगी और अच्छे से ये कोलगेट जो है वो क्लीन भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करके 2 मिनट, फिर आप इसे धो लेना, वॉश ही करना ज़्यादा बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी फिर मैं आपको इसे वॉश करके आके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको मसाज करनी है। गाइस अभी जो है वो मैंने अपने अंडर आर्म्स को वॉश कर लिया, आपको मेरी सैंडो से दिख भी रहा होगा। इधर वाला तो ऑलमोस्ट चला ही गया क्योंकि यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का था, बट इधर में थोड़ा डार्क था, तो फ़र्क पड़ा, ऐसा नहीं कह सकते कि तो फ़र्क नहीं पड़ा। बट फर्स्ट टाइम में जो है वो रिज़ल्ट थोड़ा ऐसा ही रहता है। और इसके बाद एक और थर्ड स्टेप भी है,
बट वो अगर आपको सुटेबल लगे तो आप करना, मेरे को सुटेबल नहीं लगा तो मैं नहीं कर रही हूँ। उसमें आपको लेमन लेना है और लेमन पे कटोरी में एक चम्मच हल्दी डालनी है और ऐसे लेमन को हल्दी में डिप करके और उससे मसाज करनी है। तो मेरी जो स्किन है वो सेंसिटिव है तो मैं लेमन नहीं लगाऊंगी। आप उसे यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। और मैं इसके बाद जो है वो डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मॉइस्चराइज़र मेरे पास ये डॉक्टर शेड्स का है और यही वाला मॉइस्चराइज़र मैं अभी लगा रही हूँ, तो इसे लगाऊंगी और फिर उसके बाद जो है मैं उसके बाद में कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, जो भी रिजल्ट थे मैंने आपको दिखा दिया, ये देख लो आप। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये मेरी पसंद आई हो, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा तो है, पहली बार करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे लाइक शेयर एंड सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बता देना अगली वीडियो में किस चीज़ पे बनाओ, जिससे कि मैं मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।